क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जालौन पुलिस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में एक भाजपा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पीड़िता की तहरीर पर की गई है। पूरा मामला कोच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है, जहां पर पुलिस ने भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौड़ को सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई दो नाबालिगों की शिकायत पर की है, जिन्होंने कोच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि भगत सिंह नगर निवासी राम बिहारी राठौड़ उनको घर में बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न करता था। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौड़ को घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से एक हार्ड डिस्क, लैपटॉप तथा DVR भी बरामद हुआ है। इससे क्या संबंध है जो गिरफ्तार हुआ है? राम बिहारी राठौड़ से तुम्हारी क्या संबंध है? लेखपाल साहब गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? चाचा है ये। अच्छा, ये गलत लोग हैं ये। नहीं तो ये नाबालिग बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे, इसकी जानकारी है आपको? हाँ बताओ ना सही। हाँ है, है। कैसी जानकारी है आपको? क्या जानकारी है जी? जानकारी है कि नशे के तौर पे बेहोश करके और वो वीडियो बना लेते हैं और फिर होश में आते हैं, वीडियो दिखाते हैं और नहीं करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि बता नहीं, हम तो आप घड़े कह देंगे, नहीं वीडियो डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब इसी चीज़ को ब्लैकमेल करते थे? हाँ। तो आपके भी साथ भी किया है क्या ऐसा? आपके साथ की बिल्कुल सरवाई नहीं, डराई नहीं, आपके साथ किया था? नहीं मेरे साथ। अच्छा, तो आपने देखा था? हाँ। अच्छा, कितने लोगों के साथ किया होगा? लगभग क्या होगा, लगभग कम से कम 25 लोगों के साथ किया है। 30 लोग। जहां पुलिस ने उसकी जांच की तो उसने कई ऐसे अश्लील वीडियो नाबालिग और महिलाओं के मिले हैं, जिनका भाजपा नगर उपाध्यक्ष यौन उत्पीड़न करते थे, जिस पर पुलिस ने उस हार्ड डिस्क, लैपटॉप और DVR को जब्त कर लिया है। साथ ही भाजपा नगर उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। यह मामला सामने आने के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराते हुए उसे जेल भेज दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने चोरी का मुकदमा उन लड़कों के खिलाफ लगाया था, जिस कारण उसे फंसाया जा रहा है। बता दें कि आरोपी रिटायर्ड कानूनगो भी रह चुका है और वह भाजपा में कई वर्षों से राजनीति कर रहा था, जिसे नगर उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कोंच कस्बे का एक प्रकरण कल सामने आया था, उसमें एक अश्लील हरकत और दुष्कर्म का मामला था, तो उसमें दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उसमें एक लैपटॉप भी मिला है, DVR भी मिला और हार्ड डिस्क सब पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है और बिल्कुल सही विवेचना उसमें की जाएगी। आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी में? इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते। अभियुक्त हैं और अभियुक्त अभियुक्त होता है, वो गिरफ्तार है। सर कब से ये इस तरह के कार्य में? ये सब जांच में प्रकाश में आएगा तो फिर बताया जाएगा आपको। कितने वीडियो सर अभी पुलिस संज्ञान में है? कितने वीडियो? अभी तक तो दो वीडियो सामने आया, उसी पर दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। सर किसी सरकारी पद के लिए तैनात रहा है? अभी विवेचना में सामने आएगा तो फिर बताया जाएगा। जालौन से अनुज पाटकार की एक रिपोर्ट।